मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन. होप यू ऑल आर डूइंग वेल. वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. दिस इज मी इला फातिमा. और अभी मेरी मॉर्निंग हुई है. अभी टाइम हो रहा है 7. बस अभी उठते हैं, फटाफट से रेडी होते हैं, स्कूल जाते हैं एंड देन आके देखते हैं कि आज का दिन हमारा कैसे जाएगा, क्या क्या होगा एंड लेट्स सी. हेलो गाइस, ओके मैं आ गई स्कूल से. सुबह यार मैं इतना लेट हो गई थी, मैं भाग भाग के गई हूँ लिटरली. और इसलिए फिर शुरू हुआ, मैं आ गई अभी और आते साथ कमरे की आप लोग खाने देखे बिल्कुल खाली, क्योंकि यार हमारा स्टार्ट हो गया वाइट वॉश और एडमिशन थोड़ी सी घर की. और अभी फिर अब यही होने वाला है यार हमारे घर में टाँ टाँ पीछे इतना ज़्यादा साउंड. और मैं स्कूल से आते ही मैंने कहा यार ये क्या हो गया. बस अभी देखते हैं, खाना वाना खाते हैं और फिर फ्रेश होते हैं, फटाफट से मैं चेंज करती हूँ फिर आते हैं. अभी आए हैं स्कूल से गाइस, ठीक है. और यहाँ घर के मैं आप लोगों को हालात दिखाती हूँ. ये क्या आया है? ये बेबी आया है. ये क्या आया घर? ये क्यों कमरा मेरा खाली किया हुआ है? मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे लगता है कि मुझे ना इसी यूनिफॉर्म में आज पूरा दिन गुजारना पड़ेगा. यार इतनी गंदी घर की हालत हुई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. ये स्टोर रूम है और मेरे कमरे का सारा यहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है. ये हाल चेक करें, ये ड्रेसिंग और चीज़. अभी मुझे यहाँ पे कपड़े तो नहीं मिलने वाले यहाँ से. अब मैं देखती हूँ मेरे कपड़े कहाँ पे हैं. मम्मा मेरी हुडी किधर है? मुश्किल ये काम था ना, इतना मुश्किल उस स्टोर रूम से ये निकाल के लाना. मैंने कर दिखाया आपके पास. कॉल आ रही है. और बस अभी मैं अपने कमरे में खड़ी हूँ जो कि फुल खाली है. क्यों जी? वाइट वॉश अभी हम भी करेंगे थोड़ा सा. तुम लोग करना है ये कमरे क्या हाल है? ये बस सूख तो गया है. बाबा से पूछ लो ना ये कब तक कमरे में अंदर सामान लेके आना. ये अभी नीचे से ब्रश धोएंगे ना फिर जब क्लीन हो जाए. ओ हाँ ये देखे जरा, अभी ये भी धोना है. और यहाँ पे अभी कारपेट भी यहाँ का बाहर है आई थिंक, वो भी धोना है. पता नहीं यार क्या सीन है. अभी मेरा कमरा देखें, कमरा ये यहाँ से थोड़ा सा ये लग रहा है कि यहाँ भी नहीं सूखा, ये सूख जाएगा. और बस में माशाल्लाह मेरे यहाँ पे बेड होता था, मुझे लेटना है, मुझे सोना है. पता है क्या सारे कर रहे हैं काम? मैं तो अभी स्कूल से आई हूँ, मैं तो ब्लॉग बना रही हूँ, काम नहीं करूँगी. भूख लगी है. मेरी बेइज्जती हो जाएगी. 2000 years later. ओके गाइस, फाइनली यहाँ पे वैक्यूम, ये अभी सारा कमरा यहाँ से करना है वैक्यूम. और शिफ्ट विफ्ट सब कुछ हो गया यहाँ पे. और यस दिस इज मी. और यहाँ पे ये एक न्यू ऐड की है चीज़, ये पहले स्टोर रूम में पड़ा हुआ था तो अब ये मेरे रूम में आ गया. और यहाँ पे अभी सब कुछ गंदला पड़ा हुआ है. ये है मेरा विनी. और बस अभी बैठते हैं, उसके बाद ये वैक्यूम करते हैं, उसके बाद कमरा साफ़ करते हैं, फिर मेरा कमरा बिल्कुल एंड. बाहर अभी उसी तरह गंदा है, बाहर का अभी कोई कुछ नहीं पता. पता नहीं क्या होगा, अभी दो तीन दिन तो मस्त लगेंगे. और बस अभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं. मैं से एक सीक्रेट बात बताऊँ, मैंने किया कुछ भी नहीं है, लिटरली मैंने कुछ भी नहीं किया. मैं आई हूँ स्कूल से, फ़ोन लेके बैठी हूँ धूप में और मैंने लिया अकेडमी का टाइम. मैं उठ के अकेडमी चली गई और अभी मैं अकेडमी से आई हूँ. तो आगे अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मेरा कमरा फुली रेडी हो गया. एंड ये मेरा बैग एंड ऑल दिस. अभी ये लेते हैं और शुरू हो जाते हैं कमरा साफ करने का. ओके लेट्स गो. अभी यहाँ बैठे बैठे मेरी नज़र पड़ी है यार, ये आप ये देखें यहाँ पे कितना गंदा है. ये कप यहाँ पे अभी चाय पी के रखा है, ये चार्जर एंड ऑल दिस. ये क्या है यार, मतलब क्या है. खैर अभी कमरा बिल्कुल साफ हो गया, हमने चाय शाय पी ली, बिस्किट शिस्किट खा लिए, अब एनर्जी फुल ऑन टॉप. और अभी दोबारा से वैक्यूम लेते हैं, शुरू होते हैं
साफ करते कमरा एंड देन सो जाते। अच्छा हमको सिखा रहा है गाइस। सीन्स ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं कहाँ नाम लेने, क्योंकि घर की घर में कोई हालत नहीं है खाने वगैरह की, इतना गंद बना हुआ, इतना ज़्यादा गंद बना हुआ घर में, वही रेनोवेशन चल रही है, पेंट वगैरह हो रहा है। तो अभी हम लोग नान लेके आते हैं और देखते हैं कि और क्या हमें मिलता है। चल जल्दी से अभी जाते हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है भाई। बस अभी जा रहे हैं, आगे फुल अंधेरा है और डर लग रहा है मेरे को, ठंड भी लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। चल जल्दी जल्दी चलते हैं, जाते हैं, भूख भी लग रही है, खाना शाना खाते हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जहाँ से हम लोग नान लेंगे। ओके गाइस अभी हम लोग मार्केट पहुँच गए हैं, वहाँ से जाओ काशा भाग के नान लेते हैं, भाग के नान लेते हैं और फिर जाते हैं। चल जल्दी का, ठंड है यार। ये लेट्स गो। तो गाइस मैं कह रही हूँ अभी काशा का वेट हो गया, वह नान लगवाने वो आए, फिर जाते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है इधर, तो फिर जाते हैं घर, खाना खाते हैं और फिर सोते हैं, क्योंकि सब इतना ज़्यादा थके हुए हैं, इतना ज़्यादा। अब सारा कमरे का सामान पहले बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, और अब देखते हैं फिर वो आ रहा आई थिंक, घर जाते हैं फिर देखते हैं। ना चल अंडे शंडे डन हो गए, डन चलो फिर भागो, चल भाग दो नजर आ मुझे। यार ठंड तो वाकई मुझे भी लग रही है, ठंड होगी अब वो, अब दिसंबर की सर्द शामें आ गई हैं, भागो। We are back guys and I am literally shivering, but इतनी ज़्यादा ठंड है। और अभी खाना खाते हैं, जा जल्दी से मम्मा से का खाना डाल के, तुम खाना खाए जा, भाग के जा और फिर देखते हैं क्या होता है। ओके गाइस फाइनली आज एक और पार्सल आ गया अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इसकी भी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये आई थिंक कि मेरा स्कार्फ है, स्कूल स्कार्फ, क्योंकि अब ज़ाहिर सर्दियाँ आ गई हैं तो फिर यूनिफॉर्म का ये एक पार्ट होगा। तो ये भी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कैसा आया है। आई एम एक्साइटेड। वाओ फैब्रिक अच्छे है। ओके गाइस सो आज का व्लॉग यहीं तक था, होप यू गाइस लाइक इट। और बस अब सोने की तैयारी है, सुबह फिर स्कूल जाना है, और बस सोते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।